A very warm good evening, long time no see, mascots bhool to nahi gaye apni Vani ma'am ko. Good evening everybody, this is Dr. Vani and on behalf of Vedanta Biotonic, I welcome you all to today's session. Good evening, can you all hear me, can you all see me? Good evening, long time, the year has come to an end, my 2021, 2022, 2023 mascots. Good evening, the class has started, I'm sorry, oof. They were, I was not well, members of my family were not keeping well, but I hope everything is fine now. Good evening, aur aap sab kaise ho? I did miss you a lot. Yes, everybody, and we have great news! Something that I've been wanting to tell you exactly, finally! Right, the book is already into publishing, but it is very easy to say कि book publish करना है, but बच्चों जब करने की बारी आती है तो सच में जिसे कहते हैं ना हिंदी में नानी याद आ जाती है. I am not joking. इतनी proof reading होती है, we cannot give you a wrong book. Publishers की बात होती है, हमारी image की बात होती है, इतने questions choose करते हैं, there is so much work. मैं आपको सच में नहीं बता सकती, इतना काम कि कर्ली बालों को स्ट्रेट करने से ज्यादा काम. देयर इज सो मच वर्क एंड इट्स अ प्राइसलेस थिंग. यू नो आपका एक बार आपने यू हैव टू गिव इट टू द मार्केट. आप ऐसे बार बार मजाक नहीं कर सकते, चलो आज बना दे कर रहे दो, राइट? सो दिस जस्ट सो मच ऑफ वर्क, बट आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग, अगर आप 10 रुपए भी उस बुक पे खर्चोगे ना, इट इज गोइंग टू गिव यू वैल्यू ऑफ 100 रुपीज, बिकॉज अगर आपने उसको कर लिया और हमारी थियोरी पढ़ ली, नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग 360 ऑन 360. एवरी इंच ऑफ एनसीईआरटी से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, एवरी कॉर्नर से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं. वी वर्क्ड, एक साल से ज्यादा की मेहनत लगी है, मोर देन अ ईयर ऑफ हार्ड वर्क एंड सो मेनी प्रूफ रीडिंग्स. फिर भी देखना एक आधी गलती निकल जाएगी, राइट? बट सो मच ऑफ हार्ड वर्क, ऑफ लेबर, ऑफ पेशेंस, परसीवरेंस. सैंपल पेपर्स बनाए हैं इतने सारे, उसके बीच से कम उसके 10 तो प्रूफ रीडिंग्स की है, प्रिंट आउट्स लिए, क्वेश्चन चेंज किए हैं, इतने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनाए हैं. बट 2022 यू वेरी लकी and out of so many books which I will write in the future as well, this is the first ever book and I will present it to you very soon. But पढ़ाई शुरू करते हैं, breathing and exchange of gases. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जो 400-500 रुपए की pro membership चल रही है, आपको पता है? Yes, thank you so much Tanya and I promise to always do the best for my students. क्या आपने उसके फायदे उठाए हैं? जो 600-700 रुपए में आपको पूरे साल, पूरे महीने भर की पढ़ाई मिल रही, did you do that? Right, Nairu and everybody else, have you worked hard to make sure that very small membership which is available for just 400-500 rupees, please, जिन बच्चों की थ्योरी वीक है अब ले लो, बाद में मत लेना. 500 रुपए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, टेस्ट, असाइनमेंट, डिस्कशन, डाउट, सब कुछ. वेरी नाइस दिव्या, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, क्रैश कोर्स से बढ़िया कुछ नहीं है. मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्रैश कोर्स आपको कितना ज्यादा हेल्प करेगा, राइट? कहां से मिलेगा बुक? सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं अवेलेबल कर दूंगी, लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगी. डन एवरीबडी, डोंट वरी, वी विल डू अ बिग अनाउंसमेंट अबाउट द बुक. जस्ट स्टे ट्यून्ड, वाणी सूत्र वेदांत का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट, स्टे ट्यून्ड. एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक, दिस इज द फर्स्ट ड्राफ्ट. क्या पता जिराफ की जगह मैं कैंगरूज लगा दूं या पैंडा लगा दूं, बट यू नो देयर आर टू ऑफ देम एंड आई लाइक दिस इमेज. एंड बॉटनी के लिए पेड़ हो गया, जूलॉजी के लिए एनिमल्स हो गए. So it's a complete neat biology, must do MCQ, guarantee 360 NCERT line questions, more than 5000 plus questions, we worked very hard for it. 7 baje transport and plants, means of transport pe main aaungi, and evolution, theories of evolution I will do evening 9 PM. Don't miss it, don't forget to like, share and subscribe. Please make sure that you're liking, sharing, subscribing. अब सर तुम्हारी पिटाई हो जाएगी अभी, विच बुक तुम्हें दिखाई दे गई ना. गाइज एवरीबडी, मेक श्योर दैट यू लाइक, मेक श्योर दैट यू शेयर, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, एवरीबडी राइट नाउ. चलिए, एंड सबसे बड़ी बात गाइज, ऐसा क्रैश कोर्स 6 महीने पढ़ाई, 6 months, नाइन ऑल्सो बोल दो क्रैश कोर्स, लवली. 1 जनवरी से मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, क्रैश कोर्स वाले बच्चों आपके लिए 6 months, 6 महीने की पढ़ाई है क्रैश कोर्स में. आपने देखा है 6 months की पढ़ाई, आपका जनवरी में शुरू होगा, जैन फेब मार्च अप्रैल में जून में जाके खत्म होगा.
इट विल गेट ओवर इन जून, जस्ट गो हियर एंड इस पे आ जाओ एक बार। 13 ग्रेड ड्रॉपर सब जगह, नीट 2022 क्रैश कोर्स प्रिपरेशन मेड इजी, राइट? पूरा क्रैश कोर्स, रिविजन कोर्सेस, टॉपिक स्पेसिफिक माइक्रो कोर्सेस, सब कुछ अवेलेबल है। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एनालिसिस, असाइनमेंट्स, ऑल इंडिया रैंक प्रेडिक्शन टेस्ट, सब कुछ, राइट? क्रैश कोर्स आपका कब से शुरू होगा? जो आपका क्रैश कोर्स है, अगर ये तो अभी प्रो मेंबरशिप आ गए, क्रैश कोर्स आपका शुरू होगा फ्रॉम जनवरी। इट इज गोइंग टू गो राइट अप टू जून, सिक्स मंथ्स क्रैश कोर्स के लिए। यू इमेजिन हाउ मच दैट मींस, राइट? 6 महीने का क्रैश कोर्स है ये आपका, तो प्लीज इसे मिस मत कीजिएगा, जस्ट डोंट मिस इट इन एनी अंडर एनी सर्कमस्टेंस, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्रैश कोर्स के बारे में मैं आपको और थोड़ा बताती हूँ। प्रो मेंबरशिप भी है, आपको पता है, क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, राइट? जस्ट लुक एट हाउ मच द स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड, सब पे बीटी प्रो कोड चलता है। चलिए, तो ये क्रैश कोर्स है, थोड़ा बता देते हैं, फटाफट पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो फुल सिलेबस रिवाइज होगा, 20 टेस्ट, रैंक प्रेडिक्शन टेस्ट, रैंक इंप्रूवमेंट टेस्ट, कंपैरिजन होगा ऑल इंडिया रैंक्स का, पता चलेगा हर क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के नोट्स, मैथ्स तो नहीं है, चलिए कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूलास, क्लास की रिकॉर्डिंग्स। आई रियली वांट मैस्कॉट्स, इसका लाकर दिखाओ ना यार, ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 4, 3, 2, 1, डन। एंड 20,000 से विद माई कोड बीडी प्रो 8,000, डन। प्रो मेंबरशिप जो 13th की है, डन। 13th की प्रो मेंबरशिप जो है ये नहीं है, दिस इज ओल्ड प्राइस। देखो पहले 1,300 था, अभी इस प्रो मेंबरशिप का प्राइस आपको पता है कितना हो गया है? अभी इस प्रो मेंबरशिप का प्राइस पता है कितना हो गया? इट इज जस्ट अवेलेबल फॉर 499, राइट? माय स्टाइलिश स्कूल प्रशांत जी, चलिए आइए क्लास सॉल्व कीजिए, फिर दोबारा से इसके बारे में बताते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? चलो इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं बोला है बच्चों। प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी 2022, पे अटेंशन। नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन बर्ड्स, सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड सर्व टू डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू टिश्यूज इन बर्ड्स। एवरीबॉडी आर यू देयर? आई कांट सी यू राइट द आंसर। फर्स्ट आंसर है प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो फैसिलिटेट्स एफिशिएंट रेस्पिरेशन गिव्स ऑफिशियल्स। प्लीज पे अटेंशन, रेजिडुअल एरिया इन लंग्स स्लाइटली डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेशन इन मैमल्स। चलो सी, इज इट नॉट काउंटर करंट इन लंग्स? इज इट नॉट काउंटर करंट? ऑक्सीजन जो पानी है वो एक तरफ जाता है, ब्लड दूसरी तरफ जाता है, यहीं से पिटाई होगी। दैट इज व्हाई इट इज एक्सप्लेनेशन। शाया जसवाल, आई एम सेइंग इट ऑन द कैमरा, ऑन रिकॉर्ड, ऑन द कैमरा, ऑन रिकॉर्ड, यूट्यूब आप अभी रिकॉर्ड करके रख सकते हो। आई विल नॉट टेक 1 रुपी फ्रॉम MTG, प्रॉमिस। वॉट एवर आई अर्न, आई विल बाय माई ओन बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द चिल्ड्रन हु कैनॉट अफोर्ड, प्रॉमिस फॉर रिकॉर्ड। गो एंड आस्क MTG इफ वानी मैम टेक्स इवन 1 पैसा। This book is for my students. This book is my gift to my students of last 12 years. Yes, I don't want to buy these fancy big Mercedes, don't want to buy these fancy big cars and all. I am very happy with whatever I have. I promise it to you, I will not take 1 penny. Not a penny, not a paisa from that book. In spite of the fact that I have spent close to 2 lakh rupees to write that book, because you require editors, you require DTP, right? I promise, I've spent from my own pocket nearly 2 lakh rupees just to write that book, because you require editors, you require DTPs, you require offsets people. But even then, I will not take even 1 paisa, 1 penny from that book. And I will continue to write my notes. My handmade notes book is coming next.
I will, whatever, even if I get 1 lakh rupees, I will buy how much copies I get from that 1 lakh rupees, and I will send the books to the needy students who cannot afford. If that book is expensive, it is for me, I will get it. I will try and keep that book as cheap as possible. God has given me a lot. I will not take any royalty. I will not take any penny from that book. All of that is only for the student community of India so that we can make the best quality doctors. That's my promise to you. I promise it to you. Done. I promise. It's my promise to you. I will also show you a page from MTG which says that I will not take any money from you, from them. Done. And why I went with MTG when I could have used any publication is because of the credibility. They are the oldest, they are the most respected publishers of India. It is not some any publisher. It is one of the oldest publishing houses of India. It is one of the most respected publishing houses of India. But I promise to not take anything from them. It is just my offer of gratitude to the students of our country who love me so much. Done? Yes, that's my promise to you, and I promise it to you. I will not. Okay, chale, done, aayi. Here, this is countercurrent hota hai beta. Water ek direction mein ja raha hota hai. Water is direction mein jata hai. To blood is direction mein jata hai. Aur tab inme exchange hota hai. Is that clear? Is it body fluid? Is it hemoglobin or anything? No. It comes from the spiracles, trachea, into the hemocele. The cilome is there. Do the circulating body fluids, is it blood-like circulating body fluid? Is it hemoglobin? No. It is spiracle, it is hemocele. Is that clear, everybody? Now, one more announcement. It will take another 10 to 15 days for the link of the book to become activated. Is that clear? The presence of non-respiratory air sacs is increases the efficiency, right? It is correct. Residual area in lungs slightly decreases the efficiency. It is correct. Next question. In its circulating body fluid is called hemolymph. Does not help in the circulation. It only circulates the food. Distribution of oxygen respiration takes place through small air chambers called spiracles, which are connected to trachea. So it is the spiracles and the trachea. Next question. Identify the correct statement with reference to transport of respiratory gases by blood. Hemoglobin is necessary for transport of carbon dioxide and carbonic anhydrase for transport of oxygen. Correct, pucha hai. Hemoglobin is necessary for transport of oxygen, carbonic anhydrase for carbon dioxide. Correct. Only oxygen is transported by blood. Only carbon dioxide is transported by blood. Easy peasy lemon squeezy. Thanks, Darsh. Chalo, everybody. Hemoglobin is necessary for transport. Ye kya ho raha hai? Hemoglobin is necessary for transport of oxygen, carbamino, carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase kya karega? What will this enzyme come? Ye kahan hoti hai? RBC ke paas hoti hai. Kiske paas hoti hai? RBC. RBC kya karta hai? RBC के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड combines with water to form H2CO3, which will then form H+HCO3-. Yes or no? Wrong. Blood carries oxygen, carbon dioxide, other gases. Wrong. ये उल्टा कर दिया है. Yes or no? So this is correct explanation, everybody. Did you understand this? When oxygen enters the blood, 3% of its dissolved in plasma, remaining 97% combines with oxyhemoglobin. Only 3% with plasma. But 70% of carbon dioxide is transported in the form of bicarbonates. Bicarbonates. In the RBC, the carbon dioxide combines with water to form carbonic acid. H2CO3 breaks down into H+ and HCO3- ions. Although much carbon dioxide is carried in blood, yet blood does not become acidic. Blood acidic kyun nahi hota? Kaun buffer karta hai? This is not menti, guys. We have to solve on slides. We have to do detailed explanation. It is not menti.
चलिए, इज इट एब्जॉर्ब बाय डब्ल्यूबीसीज और ल्यूकोसाइट, डज ब्लड बफर प्ले इंपॉर्टेंट रोल, इट कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड व्हिच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय सोडियम बाइकार्बोनेट, इट्स कंटीन्यूअसली गोइंग टू बी डिफ्यूज थ्रू टिश्यूज, इट इज नॉट अलाउड टू एक्युमुलेट. वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन, कम ऑन, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. Come on. Done. 5, C, 4, 3, 2, 1. Done. पक्का चले फिर. ब्लड बफर्स, ये तो मैंने लीक भी कर दिया था, देयर आर ब्लड बफर्स के बच्चे सी कर रहे हैं, ब्लड में बफर्स होते हैं, राइट. द कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स आरबीसी, रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बनाता है, कई बार वो डिफ्यूज आउट करते हैं, क्लोराइड आइंस अंदर जाती है. चलो चले, फाइव फोर थ्री टू वन चले. पीपल लिविंग एट सी लेवल अराउंड 5 मिलियन आरबीसी, जैसे ही वो ऊपर चले गए 5400 हो गए, जिसको हम कहते हैं पॉलीसाइक्लिनिया वगैरह. क्यों हुए? बिकॉज वहां पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कम हो गया, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कम होने की वजह से, एयर लेस होने की वजह से उनको ज्यादा आरबीसी की जरूरत पड़ी, विच इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द आरबीसीज, विच इज रेफर्ड टू पॉलीसाइक्लिनिया वेरा. क्या कहते हैं इसको? पॉलीसाइक्लिनिया वेरा. क्योंकि वहां सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन कम है, इसीलिए ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए आरबीसीज का नंबर बढ़ाना पड़ेगा. स्पीड बढ़ाएं, कैन वी इंक्रीज द स्पीड? चलो चलो, फाइव फोर थ्री टू वन. चले, ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्प्लीन. यस, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरी बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है स्प्लीनिक आर्टरी से, गलत कह रहे हो. लंग में तो डीऑक्सीजनेटेड आता है, लंग ही तो उसको ऑक्सीजन देगी. स्प्लीन बच्चों, थोड़ी बहुत गलतियां कर रहे हो. गिल्स में डीऑक्सीजनेटेड आएगा, लंग्स में आएगा, लिवर में आएगा. लिवर तो उसको क्या करेगा? लिवर उसमें से टॉक्सिन्स निकालेगा. स्प्लीन एंड ब्रेन आर द ऑर्गन्स विच रिसीव ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लिखो, इसको याद रखो, लिखो नोट्स में. इन गिल्स एंड लंग्स ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है. सो डिड यू लर्न समथिंग न्यू? Did you learn something new? Chale, 5, 4, 3, 2, 1. Chalo, everybody open quick. Answer this particular question right now. 1000 ml. Nahi Shreya, beta. Nahi, ER bhi pooch rahe hain. Expiratory reserve volume is the extra amount of air that can be expired forcibly after a normal respiration. 1000 to 1500. Inspiratory reserve volume, 2000. Vital capacity, 4000. Total lung capacity, 5000. चलो, ट्रू फॉर CO2 कॉन्सेंट्रेशन. ट्रू फॉर CO2 कॉन्सेंट्रेशन. चलो,
inspired year, more in expired year than in alveolar year, more in inspired than in alveolar. Inspired ki expired carbon dioxide. Obviously, which of the following is true? More in alveolar. Kar di galti. Alveolar mein aayenge, alveolar se expired mein jayenge. बच्चे गलती करते जा रहे. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 mmHg इन एल्वियोलर एयर, 32 इन एक्सपायर्ड एयर. सब बच्चे लगे हुए बी 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 करते. एग्जाम में भी बी करके आना था. अगर आज ना करते ना सुमेधु तो एग्जाम में भी यही करके आना था. एल्वियोलर एयर कंटेन्स मोर एयर देन एक्सपायर्ड एयर. रौनक, That is why I am doing this detail. कितने बच्चों का ये सही हुआ है. अच्छा guys, एक चीज है. I want to form a group जहां पर बहुत ज्यादा पढ़ाकू बच्चे होंगे. और कैसे पता लगाऊंगी कि वो पढ़ाकू बच्चे हैं? जो भी बच्चे जो क्वेश्चंस मैं पूछ रही हूँ क्लास में, पूरी क्लास अटेंड करेंगे. आई वांट टू गिव यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस, आई वांट टू हेल्प यू सो दैट आपकी रैंक आए. आई वांट टू डू पर्सनल मेंटरशिप, बट मैं वो सिर्फ पढ़ाकू बच्चों के साथ करना चाहती हूँ. तो मुझे कैसे पता चलेगा वो पढ़ाकू बच्चे हैं? मुझे ऐसे पता चलेगा वो पढ़ाकू बच्चे हैं जो बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो मैं क्लास में पूछूंगी उनका जवाब देंगे. इज दैट क्लियर? तो मैं भी क्वेश्चन पूछने वाली हूँ. आई वांट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. जब अस्थमा का अटैक होता है तो क्या होता है? फास्ट मोनोऑक्सिया, हाइपोक्सिया, एनोक्सिया, हाइपरऑक्सिया. बताइए. हाइपोक्सिया, द पर्सन इज अनेबल टू ब्रीथ, देयर इज लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज रेफर्ड टू एज हाइपोक्सिया. When the in the body or region of the body is deprived of adequate oxygen, anoxia means decrease zero. Hyper matlab zyada, excess. Which structure of the lung is directly involved in oxygen carbon dioxide exchange between air and blood capillary? Secondary bronchi, alveolar, trachea, bronchi. Lallu sawal. Chalo. Batao jawab do. Easy peasy lemon squeezy. Done. What is the answer? Alveoli. कोई तो बोले. Yes, मुझे लगा secondary bronchi. Alveoli. Primary bronchi to secondary, secondary to tertiary. The bronchioles open to alveoli. Alveoli में कैसे आते हैं? Alveolar duct, atria, alveolar sacs. It is only through the alveoli. Alveoli के पास basement membrane होती है. एक तरफ alveolar epithelium, एक तरफ endothelium of blood. बीच में basement membrane, जहां से exchange होता है. Done. अगला सवाल. चलो. बताइए. रेट ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, मस्कुलर फंक्शन ऑफ द बॉडी, स्ट्रेस, नन ऑफ द अबव. रेट ऑफ ब्रीदिंग, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन इज ब्रीदिंग, हु कंट्रोल्स इट? इज इट कार्बन डाइऑक्साइड? None of these. Medulla oblongata, pons, variola, सब लिख दो. Depth of breathing होता है. Depth और rate में difference तो समझेंगे नहीं हम, है ना? Yes. Nervous control, respiratory center, medulla oblongata. सोते रहेंगे बस difference. Right everybody. Medulla oblongata, pons, variola. Yes everybody. Exercise, fear, pain, anger, fever. Okay. Done. पढ़ रहे हो?
There is nervous control. PCO2 and all can control for some time. It is nervous control. Respiratory center is there in medulla oblongata, pons veruli, exercise, fear, pain, anger, fever, worry. अपने आप control करता है. Vital capacity अभी बताया. Sorry से काम नहीं चलेगा. Gian. How are you, Gian? Long time no see. चलो. Vital capacity 4600, right? 5000, 4600 to 5000 ml. B option. 500 to nahi kar diya tha. Is equal to 3000 plus 500 plus 1100 IRB, TV, ERB. 4600 ml. Next question. जब carbon dioxide का concentration बढ़ेगा तो क्या होगा? When carbon dioxide concentration faster. पहला question देखो. Rate, depth. याद रहेगा कि फिर से भूल भटक क्या होगे? Faster and deeper. Is that clear? Carbon dioxide बढ़ेगा. Faster and deeper. I will do NCRT reading. Ashwini, I have already done NCRT reading so many times. These are hidden things. इनपे question कराऊंगे तो ही पता चलेगा. NCRT reading 50 बार कर लो. जब तक इनके questions नहीं करोगे याद नहीं आएगा. Dreamers. अगला सवाल. When carbon dioxide concentration in blood decreases, breathing becomes faster and deeper. Effect of increased carbon dioxide is to decrease the affinity for hemoglobin. जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज 250 टाइम्स हैविंग मोर अफिनिटी, तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बन जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज बोर्स इफेक्ट, राइट एवरीबॉडी? बोर्स 100% ऑक्सीजन देना पड़ेगा तभी वो बॉन्ड टूटेगा. बोर्स इफेक्ट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डू दिस सीरीज एवरी डे. वी आर डूइंग दिस सीरीज आयुष. अभी से रोज ये सीरीज होगी. चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पल्मोनरी रेस्पिरेशन? Human, sponge, fish, seal and rate. Lallu sawal. Bohr effect. Shift to right tissues mein hota hai. Carbon dioxide ki wajah se oxygen binds with carbon dioxide. Chaliye. Human beings. Obviously, pulmonary respiration, humans. Pulmonary is lungs, by which oxygen and carbon dioxide enters the alveoli. It is observed in advanced animals like humans. And guys, this is something which you also need in physics and chemistry. Yes or no? Ye dekho. Look at this. Ye aapko physics or chemistry mein bhi chahiye. Look at this. Isi type ki discussion chahiye. Yahan dekho. Need 2022 crash course. जनवरी से शुरू है, 31st मई एंड तक. इट माइट एक्सटेंड टू जून. 6 months. फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री पूरा सिलेबस रिवाइज करो तभी फायदा होगा. अंडरस्टैंड के क्वेश्चंस करो, डाउट की फोटो डालो. टाइम मैनेजमेंट, 20 टेस्ट्स, राइट? द बेस्ट टीचर्स टीच यू लाइव क्लासेस. सबके टेस्ट होंगे, प्रैक्टिस पेपर आपके लिए होगा. आई हैव डिजाइन दिस कोर्स. ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच इज इन द कोर्स, मी एंड आनंद सर, वी डिजाइन द कोर्स. And this is how our last year super amazing students are saying things. So, yaar, ye bahut zaruri hai. You need to buy this course. Taki aap physics, chemistry mein bhi is type ki performance la sako. Done. Ab aap jab code daloge, code kya hai aapka? VD Pro. What is your code? Yahan pe aapko code dalna hai. Enter coupon code. Ye bol rahe hai. Yahan pe dal ke dekhte hai. Capital VD Pro. एक सेकेंड, कैपिटल कर देते. वीडी प्रो डाल दिया आपने, अप्लाई कर दो एंड यू गेट ऑफ.
देन ओनली बाय दिस, डोंट बाय दिस विदाउट अप्लाई एंड देन बाय. चलो आज बाकी क्वेश्चंस करते हैं. चलिए So, Panwali respiration is from the lungs. You really need to do the same kind of stuff, in-depth analysis of every question in physics and chemistry also. We move on to the next question. Where is the remote control? Yeah. Advanced animals like humans respire through lungs. Next. Percentage of oxygen inhaled air. Partial pressure, nahi, percentage of oxygen in inhaled air. Inhaled air. 21, 16, 79, 4. Percentage of oxygen inhaled air, 21%. ठीक है चलो. Starting in 5, 4, 3, 2, 1. Next question. Now tell me the answer to this amazing question. Which of the following is a chronic respiratory disorder in which alveolar valves are damaged, due to which respiratory surface is decreased? Chronic obstructive pulmonary disorder, which is referred to as emphysema, which happens in people who smoke, because of which the elasticity of the alveoli is decreased. Yes, B. Itne mein book se bhi dekh liya. Emphysema, which is called chronic obstructive pulmonary disorder, obstructive because the alveoli ka jo, you know, jo alveoli कि इलास्टिसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है. ऑक्यूपेशनल डिजीजेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स इन, किसमें हो जाता है फाइब्रोसिस, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस. Five, four, three, two, one. Upper part, where they inhale, where it enters, where it inhales, in the upper part. And because of which, what is fibrosis? Fibrosis means too much deposition of the collagen. Shai Kaltamash, was it fine? Jiski wajah se wo sakhat ho jata hai, it becomes hard. Like it happens in people who've had burn injuries, because of which exchange of gases does not take place. It does not contract and expand. जो mining industry में काम करते हैं, जो silica industry में काम करते हैं, जो asbestos industry में काम करते हैं, fibrous tissue collagen बढ़ जाता है जो burn patients में होता है, dust inhale करते हैं, fumes gases inhale करते हैं, upper part में fibrosis हो जाता है. Did you understand? This is so important that you focus. It is so important. मैं इतनी मेहनत करके questions लाई हूँ. You learn from these questions. A person breathing normally at rest takes in and expels approximately half a liter of air during each respiratory cycle. This is called as inspiratory reserve volume, tidal volume, expiratory reserve volume, vital capacity. चलो, 5, 4. Three, two, one.
टाइडल वॉल्यूम 500 ml 500 ml हाफ लीटर मुझे लगा आंसर दे दोगे। चलो अगला 500 ml। चलो when you hold your breath, which of the falling gas changes in blood would first lead to the urge to breathe? कौन सा बढ़ जाएगा? Rising carbon dioxide. कहाँ जाएगा? Centers, respiratory center. जाके क्या सिग्नल देगा? भाई हीमोग्लोबिन से चिपक रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, निकालो उसे. Yes or no? Carbon dioxide. Well done. Right? It is going to go to the chemiosmotic centers, which are present on the carotid artery, chemoreceptors. The chemoreceptors are always present on the carotid artery. Mark this. Come on, guys, and everybody make sure that you're liking, sharing, subscribing. Dreamers 2022. Kahan hote chemoreceptors carotid artery? Question number 19. Carbon dioxide kab release hota hai? Is released during when? चलो फाइव फोर थ्री टू शुड आई स्टार्ट एंड वन carbon dioxide is released during which all reactions? What are the two reactions? Respiration, and respiration is a catabolic process. It is also referred to as amphibolic process because during synthesis of fatty acid, acetyl-CoA withdrawn from respiratory pathway. So catabolic and amphibolic. Answer isliye D hai. It is both catabolic and amphibolic. Kab release hoga? During respiration. It is both. Next question. Chalo. Match karo. Time lo. Take 2 minutes. Match it up for me. Fast. What is the answer? Tidal volume is 500. We've just done it. Inspiratory reserve volume अभी थोड़ी देर पहले 2500 to 3000. आपका expiratory reserve volume है 1000 to 1100. ये था third या fourth question. आपका residual volume है 1100 to 1200 ml. Answer है आपका number B. चलिए B होना चाहिए अगला सवाल. तो ये मैंने पूरा करवा दिया. आपने tidal volume क्या था जो आप normally respire कर रहे हो 500 ml. राइट उसके अलावा क्या होता है बेटा आपका पर मिनट इज जस्ट 6000 to 8000 इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने नॉर्मल इंस्पायर किया इसके ऊपर एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इट इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट आई कैन रिस्पायर इट इज अराउंड 2500 to 3000 ml एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच यू कैन फोर्सिबली एक्सपायर
1000 to 1100 ml जो बचा रह जाता है लंग्स में इवन आफ्टर फोर्सफुल रेस्पिरेशन इज योर रेजिडुअल वॉल्यूम अराउंड 1200 ml. After forceful inspiration, the amount of air that can be breathed out with maximum forced expiration. Forceful inspiration के बाद over and above हम maximum expire क्या कर सकते हैं? चलो. सौम्या जी क्या zoom करना है बेटा? It is very clearly visible बच्चे. और zoom करेंगे तो sides cut हो जाएंगे ना बच्चे? टीवी प्लस आरबी प्लस ईआरबी आईआरबी प्लस टीवी प्लस ईआरबी आईआरबी आरबी ईआरबी बताओ. आईआरबी ईआरबी टीवी आरबी आईआरबी प्लस टीवी प्लस ईआरबी. The maximum amount of air which can be breathed out through forceful expiration is equal to the sum of tidal volume. तो normal है. Inspiratory reserve volume जो extra लिया था and obviously expiratory reserve volume जो आप extra respire out कर सकते हैं. Asthma क्यों होता है? What is the reason for people to have asthma? Bacterial infection of the lungs, allergic reaction of mast cells in the lungs, fungal infection, accumulation of fluid in the lungs. Allergic rhinitis, right? It is a hypersensitivity reaction. You forgot that, you remember that it is hypersensitivity. So it is allergic reaction of the body. Jisme aapke mast cells bahut zyada extra amount of mucus banate hain. It is allergic reaction, histamine. ये जो होता है रिलीज होता है हिस्टामिन की वजह से म्यूकस होगा. म्यूकस की वजह से आपका ये जो रेस्पिरेटरी पैकेज है वो ब्लॉक हो जाएगा. इट कुड बी एलर्जी टू पोलन, इट कुड बी एलर्जी टू इनहेलेशन, डस्ट, फ्यूम्स, डॉग हेयर, कैट हेयर, एंड इट इंपैक्ट्स मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन एवरी ईयर, एवरी न्यू ईयर, आई मीन लाइक एवरी टाइम दैट चिल्ड्रन आर बोर्न. द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ स्कॉर्पियन आर अमंग वर्टिब्रेट्स. एक क्या है? फिशेस यूज, बुकलिंग्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स यूज. 1, 2, 3. रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, स्कॉर्पियन. बुक है, बुक भूल मत कर देना. बुक लंग्स, बुक लंग्स, स्कॉर्पियंस बुक लंग्स, फिशेस यूज गिल्स, एंड लास्ट ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स लंग्स. 24th. ट्रेकिया के लिए इनकरेक्ट ऑप्शन. एक्सप्लेनेशन इसमें से 5 क्वेश्चन और आएंगे. कितनी लेंथ होती है 11 टू 12 सेंटीमीटर? किस लेवल पे ट्रेकिया दो में होता है? 5th लेवल ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रा डिवाइड्स इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट. दिस इज नोन एज द कैरिना, एंगल ऑफ कैरिना. यहां से क्वेश्चंस आएंगे. ये सारा मेरी बुक में भी मेंशन है. ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स, दीज रिंग्स आर इनकम्प्लीट ऑन द डोर्सल साइड. 25th टोटल लंग कैपेसिटी.
5 4 3 2 1 EC plus FRC. Is that clear, everybody? That is the total lung capacity, is the amount of air that accommodates in the lung at the end of forced respiration. IRV, ERV, RV, PV. Total amount of air that a person can breathe. Ek baar usne expire kar diya. Iska total amount of air kitna le sakta hai wo? Is your total lung capacity. Mammalian lungs have an enormous amount of minute alveoli. Inka kya kaam hota hai? Batao. छोटे 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 alveoli. मैं transport in waters कराऊंगी 7 PM sharp. Don't miss the class, okay? Surface area for diffusion of gases, right? They have 300 million alveoli. Ye aa sakta hai. Do questions hai jo step pe aate hain. Total number of sperms jo release hote hain per ejaculate, number of alveoli. Har baar aate hain. 300 alveoli present in the human lungs. This is meant to increase the surface area. That is why it is detailed MCQ. ABCD identify karo. What a lovely, lovely diagram. Chalo ABCD identify karo. ABCD. 5 4 3 2 1 Wow! Epiglottis flap, woh flap hai, alveoli, bronchus and D kya hai? Diaphragm. D to sabse common tha. Bronchus, primary, secondary bronchus, alveoli, epiglottis. Epiglottis एक leaf-like cartilage होता है. Larynx को sound box भी कहते हैं. Windpipe को trachea कहते हैं. ये right और left T5 पे कटता है. Respiratory unit bronchios से शुरू होती है. Bronchial alveolar ducts में convert होती है. Alveolar duct, alveolar sac में जाता है. Space inside alveolar sac is called as interim. तो bronchus, trachea, alveoli को lungs कहते हैं. Dome shaped होता है जो thoracic cavity और abdominal cavity को separate करता है. उसे डायाफ्राम कहा जाता है. 28 क्वेश्चन गाइस, मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग. थैंक्स वाइज बॉस. फाइव फोर थ्री टू One and we start. It's called a simple diffusion. It is just because of partial pressure of gases, right? It is just because of partial pressure of gases. Usme koi bhi energy use nahi hoti hai. That's all for today. But before I move back, don't forget, yahi cheez dreamers, aapko physics aur chemistry mein bhi karni hai. And for that, you might require a special effort. प्लीज अप्लाई द कोड वीटी प्रो. कम कहते क्रैश कोर्स 1 जनवरी से फिर से महंगा हो जाएगा. क्यों महंगा वाला लेना है? पैसे बच रहे हैं तो बचा लो, राइट? और यहाँ पर देख लो बच्चों, आपका जो 11th और 12th वाली मेंबरशिप है वो तो और भी ज्यादा चीप है, राइट एवरीबॉडी? 11th और 12th वाली आ जाओ इधर. तो 11th और 12th वाली मेंबरशिप देखिए कितनी चीप है. एक बार इधर आ जाओ कि कहाँ गयो. 50% यहाँ पे आ जाओ. विदाउट नीड क्रैश कोर्स
क्रैश कोर्स 50% पे, एवरीथिंग इज ऑन 50%, लाइक एवरीथिंग। 11th आपका 50% पे, 12th आपका 50% पे। आपको पता है इसके प्राइसेस आपने देखे हुए हैं, सुपर चीप है, 499 का प्राइस है आपके 11th का, 700 प्राइस है आपके 12th का। हैव यू सीन दैट एवरीबॉडी, प्लीज इसे मिस मत कीजिए। फिर बेटा वो 2,000-4,000 का कोर्स हो जाएगा, क्या फायदा, यहां पर चले जाइए। 11th और 12th कहां पर है आपका, ओके, नीट क्रैश कोर्स, ये देखो 13th ग्रेड ड्रॉपर, यहां पर आप चेंज कर लो कि आपको चेंज जो भी करना है 11th में, क्लास यहां पे जाके क्लास 12th कर लो, क्लास 12th जाके नीट 2022 क्रैश कोर्स ले लो, या प्रो मेंबरशिप ले लो, जो भी ले लो, पर एवरीथिंग इज सुपर चीप, गो गेट दैट। टेक केयर, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, हर एक चीज के लिए कोड है बीडी प्रो, बाय, टेक केयर, बाय गाइस, बाय गाइस, एंड सी यू शार्प एट 7 PM, ओके, बाय। 11th का पाउलो में 499 का है बेटा, बाय गाइस।